स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग थर्ड चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश बुक. द नेम ऑफ चैप्टर स्पेशल गिफ्ट फॉर मदर. तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका नेम क्या है? स्पेशल गिफ्ट फॉर मदर, जो माँ के लिए कुछ खास गिफ्ट. ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? माँ के लिए कुछ खास गिफ्ट. फर्स्ट हम देखेंगे अबाउट द चैप्टर. तो व्हाट इज़ अबाउट द चैप्टर? चैप्टर के बारे में जानेंगे. तो जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें देखेंगे. दिस चैप्टर टेल्स अस हाउ कैन बी एक्सप्रेस रिस्पेक्ट एंड लव टू आवर पेरेंट्स. तो जो चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर है, उसमें क्या है कि हम जो अपने पेरेंट्स हैं उन्हें लव मीन्स प्रेम और रिस्पेक्ट यानी आदर और एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना. तो प्रेम और आदर हमारे पेरेंट्स को हम कैसे व्यक्त करें, कैसे एक्सप्रेस करें, वो सभी इस चैप्टर के थ्रू हमें सीखने को मिलता है. लेट्स रीड एंड लर्न हिम. तो लेट्स रीड एंड लर्न देम, ऐसे हम रीड करेंगे एंड याद करेंगे, लर्न करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ दिया है बिफोर वी प्रोसीड. तो जब हम बड़े होते हैं उससे पहले क्या होता है? बिफोर वी प्रोसीड मीन्स क्या होता है? जब हम बड़े होते हैं उससे पहले, आवर पेरेंट्स लव अस वेरी मच. हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं. दे डू एवरी थिंग फॉर अस. तो वो हमारे लिए, दे डू मीन्स क्या होता है? सब कुछ करते हैं. एवरी थिंग मीन्स होता है सब कुछ. तो वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं. दे डू एवरी थिंग फॉर अस. वी ऑल्सो लव आवर पेरेंट्स. और हम सभी भी क्या करते हैं? हमारे पेरेंट्स को लव करते हैं. वी ऑल्सो लव आवर पेरेंट्स. बट हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर लव? तो हम अपना जो हम अपने पेरेंट्स से, माता पिता से जो प्रेम करते हैं उसे हम कैसे व्यक्त करें, कैसे एक्सप्रेस करें, वो ये हमें समझ नहीं आता. लेट अस रीड व्हाट जूही डिड टू टेल हर दैट सी लव्स हर टू लॉट. तो हम जानते हैं, लेट अस रीड, चलो हम पढ़ते हैं. व्हाट जूही, तो जो जूही हैं, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक गर्ल है जूही, डिड टू टेल हर दैट. तो वो क्या कहती है? एंड दैट सी लव्स हर अलॉट. वो अपनी जो पेरेंट्स है उससे बहुत सारा प्रेम करती है. तो वो क्या कहती है इस विषय में? ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम. नेक्स्ट पैराग्राफ है जूही वॉज सिटिंग इन हर स्टडी रूम. तो जूही अपनी जो स्टडी रूम है उसमें बैठ जाती हैं, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है. जूही अपने स्टडी रूम में बैठ गई. ठीक है. टुमैरो हिज मदर्स बर्थडे. तो टुमैरो मीन्स क्या होता है? आने वाला दिन. तो आने वाला दिन, आने वाले दिन को उसकी माँ का क्या है? बर्थडे है. एंड सी वांटेड टू गिव द बेस्ट गिफ्ट टू हर मदर. और वो क्या चाहती हैं? वांटेड मीन्स चाहना. तो जूही चाहती हैं कि वो अपनी माँ को सबसे द बेस्ट गिफ्ट, सबसे अच्छा गिफ्ट दे, सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहती हैं जूही. सी टुक आउट हर पिगी बैंक. और वो अपने पिगी बैंक को देखती है. टुक आउट मीन्स अपने पिगी बैंक को उठाती हैं और एंड काउंटेड द मनी. और जो उसमें जो सेव करके जो मनी पैसे रखे हुए हैं उन्हें काउंट करने लगती हैं, मीन्स गिनने लगती हैं. काउंटेड मीन्स गिनना. ओके, देन सी वेंट टू द मार्केट. देन फिर वह मार्केट जाती हैं, बाज़ार जाती हैं. नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स देखेंगे? सी वेंटेड टू गिव हर मदर समथिंग वेरी स्पेशल. तो वो क्या चाहती हैं? सी वांटेड टू गिव हर मदर समथिंग वेरी स्पेशल. कुछ खास अपनी माँ के लिए देना चाहती हैं, ये सोचकर वो मार्केट गई. ओके, ओनली यस्टरडे देयर टीचर हैड थॉट देम हाउ टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स.
तो यस्टरडे मीन्स बीते हुए दिन, मीन्स बीता हुआ कल। तो जो उनकी टीचर ने पिछले दिन, बीते हुए दिन यस्टरडे को क्या क्या सिखाया था उन्हें, कि जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक। तो ग्रीटिंग कार्ड्स को कैसे बनाया जाता है, हाउ टू ग्रेट मेक ग्रीटिंग कार्ड्स। सी डिसाइडेड टू मेक अ ब्यूटीफुल कार्ड एंड प्रेजेंट हर मदर। तो वो क्या डिसाइड करती है, क्या फिक्स करती है, कि वो एक ब्यूटीफुल कार्ड बनाएगी, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स बहुत सुंदर कार्ड बनाएगी एंड प्रेजेंट हर मदर, और उसकी माँ को देगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ है, सी परचेज अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। तो वो क्या लेती है, परचेस मीन्स खरीदना, सी परचेज अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। तो वो एक कार्डबोर्ड का पीस यानी टुकड़ा लेती है, एंड सम ब्यूटीफुल कलर्ड पेपर, और कलरफुल जो पेपर आते हैं मार्केट में वो लेती हैं। ओके, सी ऑल्सो वॉट सम बीड्स। बीड्स मीन्स क्या होता है, मोती। तो वो मोती भी खरीदती हैं, एंड अदर थिंग्स टू डेकोरेट द कार्ड, और चीज़ें भी खरीदती हैं, अदर थिंग्स मीन्स और चीज़ें भी खरीदती हैं, किस लिए खरीदती हैं, टू डेकोरेट द कार्ड, कार्ड को सजाने के लिए। डेकोरेट मीन्स होता है सजाना। ओके, देन सी रिटर्नेड होम, और उसके बाद क्या करती हैं, वो घर आ जाती हैं। सी सेट डाउन टू मेक अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर हर मदर, और वो अपनी माँ के लिए बहुत अच्छा बहुत ब्यूटीफुल कार्ड बनाती हैं। सी डेकोरेटेड द कार्ड विथ कलरेड पेपर्स एंड वीड्स, और वो उसको कलरेड जो पेपर्स लेके आई थी और जो वीड्स लेके आई थी उनसे डेकोरेट करती हैं। देन सी टाइड अ ब्यूटीफुल रिबन अराउंड इट। टाइड मीन्स क्या होता है, बांधना, ठीक है, बांधना या जोड़ना। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिबन से उसको क्या कर देती हैं, बांध देती हैं। ओके, नेक्स्ट है, इन द कार्ड सी रोट, उन्होंने कार्ड में जो ही है उसने कार्ड में क्या लिखा है, सी रोट मॉम यू आर द बेस्ट मदर। तो माँ आप सबसे अच्छी माँ हो। ओके, आई वांटेड टू गिव द बेस्ट गिफ्ट इन द वर्ल्ड। मैं चाहती थी आपको देना, मैं आपको दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू बाय एनी थिंग फ्रॉम द मार्केट। तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, मार्केट से कुछ भी खरीदना नहीं चाहती थी। बिकॉज नेम ऑफ देम आर एज गुड एज यू, क्योंकि ऐसा कुछ बनाना चाहती थी वो कि जो कि उसकी माँ से, माँ जैसा हो, माँ जैसी गुड हो, ब्यूटीफुल हो। ओके, तो ये उसमें कार्ड में लिखा हुआ रहता है। जूही ने अपने जो कार्ड पेपर है, जो कार्ड है वो उसमें ये लिखा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह, जूही वेक अप ईयरली। ईयरली मीन्स बहुत ही जल्दी उठ गई, ये वेकअप मीन्स उठना। तो जूही वेक अप ईयरली एंड वेंट टू द किचन, और किचन में जाती है। हर मदर वॉज मेकिंग टी फॉर हर फादर। तो जो उसकी माँ हैं वो क्या कर रही हैं, टी बना रही हैं उसके पापा के लिए। सी गेव द कार्ड टू हर मदर एंड स्टूड साइलेंटली, और उसने जो कार्ड जो बनाया था वो उसने अपनी माँ को दिया एंड साइलेंटली खड़ी हो गई, चुपचाप खड़ी हो गई एक जगह पर, ठीक है। मदर ओपनेड द कार्ड, माँ ने जो कार्ड है उसे खोला। टीयर्स रोलेड डाउन फ्रॉम हर आइज। तो टीयर्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, टीयर्स मीन्स होता है आंसू। तो आंसू उनकी आंखों में रोलेड यानी घूम रहे थे, उमड़ आए थे। डाउन फ्रॉम हर आइज, उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। सी हग्ड जूही एंड सेड, उन्होंने जूही को गले से लगाया एंड कहा, सेड मीन्स कहना,
इट इज़ द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है और मैंने सब कुछ पा लिया है। ओके तो ये उनकी उसकी माँ जूही की माँ उससे कहती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो जो वर्ड वाइसेज हैं वो देखेंगे। फर्स्ट क्या है, गिफ्ट। गिफ्ट मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट या उपहार। डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स क्या होगा, सेटलेड या निश्चय। डेकोरेट मीन्स होगा ब्यूटीफाई या सजाना। रिबन यानी कार्ड या फीता। एवर, एवर मीन्स होता है एट एनी टाइम। रिसीव्ड, ओके रिसीव्ड का मीनिंग होगा गॉट। गॉट मीन्स प्राप्त करना। इम्पोर्टेंट मीन्स होता है खास। वॉट मीन्स खरीदना और परचेस मीन्स भी खरीदना होता है। टाइड मीन्स होता है अटैच्ड या अटैच्ड मीन्स होता है जुड़ा हुआ या बंधा हुआ। साइलेंटली यानी शांत होना या चुपचाप खड़े रहना, ठीक है, विदाउट सेइंग एनीथिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अपनी। तो फर्स्ट हैं जो टिक द करेक्ट ऑप्शंस, जो ऑप्शन दिए हैं उन पर जो करेक्ट वाला ऑप्शन है उस पर टिक करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, जूही वॉज सिटिंग इन हर स्टडी रूम। तो स्टडी रूम कौन से ऑप्शन पर है, सी नंबर पर है, तो उस पर हम करेक्ट टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड नंबर का है, जूही वांटेड टू गिव हर मदर द बेस्ट गिफ्ट ऑन हर बर्थडे। तो जूही है जो, वो क्या चाहती थी कि वो बहुत अच्छा गिफ्ट दें अपनी माँ के लिए, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द बेस्ट, ये बी वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे। थर्ड वाला देखेंगे, जूही वॉट सम बीट्स एंड सम बीट्स टू डेकोरेट द कार्ड, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस पर टिक कर देंगे डेकोरेट। फोर्थ नंबर का देखेंगे, सी टाइड अ ब्यूटीफुल रिबन अराउंड द कार्ड, तो टाइड मीन्स क्या होता है, बांधना, तो इसको वी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का देखेंगे, जूहीज मदर हग्ड हर व्हेन शी गेव द कार्ड, तो जब जूही ने उन्हें कार्ड दिया था तो उनकी माँ ने क्या किया था, उसकी माँ ने उसको गले से लगा लिया था, हग्ड कर लिया था, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स गिव इन बॉक्स, तो जो बॉक्स में हमें वर्ड्स दिए हैं उन्हें हमें जो ब्लैंक्स हैं उनमें फिल करने हैं। तो फर्स्ट क्या है, जूही गेव द कार्ड टू हर मदर एंड स्टूड साइलेंटली, तो वो जो जूही थी उसने कार्ड देने के बाद कैसी खड़ी हो गई थी, चुपचाप खड़ी हो गई थी, स्टूड साइलेंटली, तो इसमें हम साइलेंटली फिल कर देंगे। सेकेंड क्या है, जूही टुक आउट हर पिगी बैंक, तो उसने क्या उठाया था, अपना पिगी बैंक उठाया एंड काउंट द मनी, काउंट और अपनी मनी को गिनने लगी थी। ओके तो फर्स्ट वाले में है पिगी और जो एंड वाला है उसमें काउंट लिख देंगे, सी ओ यू एंड टी ई डी, काउंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड वाला है, देयर टीचर हैड थॉट them how to make greeting cards, तो उसकी उनकी टीचर ने क्या बताया था कि जो greeting cards होते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें टीचर आ जाएगा। फोर्थ नंबर का देखेंगे, then she returned home, फिर वह घर आई, ठीक है, तो इसमें returned आ जाएगा, returned, returned। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का देखेंगे, सी डेकोरेटेड द कार्ड विथ कलर्ड पेपर एंड बीड्स, ठीक है, तो इसमें डेकोरेट फिल कर देंगे। नेक्स्ट है सिक्स नंबर का, नेक्स्ट मॉर्निंग जूही वेक अप अर्ली, तो अर्ली मीन्स क्या होता है, जल्दी उठ गई थी, एंड वेंट टू द किचन, तो इसमें अर्ली फिल कर देंगे। सेवन्थ वाला है, टुमैरो इज हर मदर्स बर्थडे, तो कल उसकी माँ का क्या था, बर्थडे था, तो उसमें मदर्स फिल कर देंगे, ठीक है। ये हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए।
नेक्स्ट है हमें यहाँ पर टिक द करेक्ट, यहाँ पर टिक द करेक्ट करना है, ठीक है। ट्रू फॉल्स हैं ये हमारे, तो जो ट्रू है उस पर हम राइट का टिक करेंगे और जो फॉल्स है उसको क्रॉस कर देंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है, जूही डिड नॉट वांट टू गिव द बेस्ट गिफ्ट टू हर मदर, तो इट्स फॉल्स, क्योंकि जूही तो चाहती थी अपनी माँ को अच्छा गिफ्ट देने के लिए, तो जूही वांट टू गिफ्ट द बेस्ट गिफ्ट टू हर मदर, तो इसमें हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट लिखा हुआ है। सेकेंड वाला है, जूही टुक सम मनी फ्रॉम हर मदर, तो उसने अपनी माँ से पैसे लिए थे क्या, उसने उसकी माँ से पैसे नहीं लिए थे, उसने अपनी पिगी बैंक से लिए निकाले थे, तो इसमें भी हम फॉल्स कर देंगे, इट्स फॉल्स, इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। थर्ड वाला देखेंगे, जूही वॉट अ ब्यूटीफुल कार्ड फ्रॉम द मार्केट, तो जूही ने जो कार्ड था वो मार्केट से ख़रीदा था क्या, नहीं, जूही ने खुद अपने हैंडक्राफ्ट किया था, वो सिर्फ सामग्री लेके आई थी, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, इट्स फॉल्स। फोर्थ वाला है, सी टाइड अ ब्यूटीफुल रिबन अराउंड द कार्ड, तो उसने जो कार्ड था उसके चारों तरफ क्या लगाया था, एक रिबन लगाया था, रिबन से उसे बांध दिया था, तो इट्स ट्रू, इसमें हम राइट टिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर का है, नेक्स्ट मॉर्निंग जूही गोट अप ईयरली इन द मॉर्निंग, तो वेक अप या गोट मीन्स उठना होता है, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे, ये भी हमारा राइट हो जाएगा, इट्स ट्रू। सिक्स नंबर का है, जूही टुक आउट मनी फ्रॉम बैंक, तो क्या जूही ने बैंक से मनी ली थी, नहीं, उसने पिगी बैंक से ली थी, तो इट्स फॉल्स, इसमें भी क्रॉस कर देंगे। और स्टूडेंट्स, एक जो हमारे एट ट्रू फॉल्स हैं और उनके जो बॉक्स हैं वो 9 दिए हैं, तो वन बॉक्स को आप ऐसा ही छोड़ देंगे। सेवन्थ नंबर का देखेंगे, जूहीज मदर वॉज इज द किचन वैन सी गैव द कार्ड, तो वो किचन में गई और उसने कार्ड दिया, तो इट्स ट्रू, इसमें ट्रू कर देंगे, राइट टिक कर देंगे। जूहीज मदर फेल्स सैड वैन सी गोट द कार्ड, तो जूही की माँ दुखी थोड़ी हुई थी जब उन्होंने कार्ड दिया था, वो खुश होकर वो उनके आँखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने उसको गले लगा लिया था, तो इसमें सैड दिया है, इसलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि वो खुश हुई थी, तो इट्स फॉल्स। तो ये सभी आपके ट्रू फॉल्स हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन आंसर दिए हैं हमें, तो ये हम नीचे राइट डाउन कर दिए हमने, आप सभी भी लिख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मैचिंग करेंगे हम, मैचिंग में फर्स्ट दिया है सिटिंग, जो अपोजिट वर्ड हैं, जो वर्ड्स दिए हैं उनके हमें अपोजिट वर्ड से मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सिटिंग, सिटिंग को किससे मैच कर देंगे, स्टैंडिंग, सिटिंग मीन्स बैठना और स्टैंडिंग मीन्स खड़े होना। सेकंड है वेस्ट, बेस्ट यानी बहुत अच्छा और वर्स्ट यानी बहुत बुरा, तो इसको सेकेंड वाले को फर्स्ट से मैच कर देंगे, वर्स्ट, ठीक है, वेस्ट का वर्स्ट। थर्ड वाला है टाइड, टाइड मीन्स क्या होता है, बांधना, और सेपरेटेड यानी अलग अलग करना, ठीक है, तो टाइड मीन्स बांधना, इकट्ठा करना, और सेपरेट मीन्स अलग अलग करना, ठीक है, सेपरेट। और फोर्थ नंबर का है ईयरली यानी जल्दी, और लेट मीन्स लेट हो जाना यानी देर कर देना, ठीक है, ईयरली मीन्स जल्द और लेट मीन्स होता है देरी करना। साइलेंटली मीन्स होता है शांत होना, ठीक है, और नॉइजली मीन्स शोर करना, ठीक है, नॉइजली मीन्स शोर करना, और साइलेंटली मीन्स शांत रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, लोकेट द वर्ड्स इन कॉलम ए एंड टेक द वर्ड हैविंग ऑलमोस्ट सेम मीनिंग्स, तो जो सेम मीनिंग निकल रहा हो, जो ए वाला कॉलम दिया है उसमें जो वर्ड हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इनके हमें जो टू ऑप्शन दिए हैं उनमें से करेक्ट जो उसका एज इट इज़ मीनिंग निकल रहा हो वो वाले मीनिंग्स पे
वर्ड पे हमें टिक करना है, ठीक है। तो गिव का क्या हो जाएगा, आफ्टर यानी तो पहले होता है, गिव यानी देना होता है, और ऑफ़र यानी भी देना होता है, तो ऑफ़र पर हम टिक कर देंगे। ऑफ़र मीन्स भी देना होता है। स्पेशल यानी खास होता है, ऑर्डरिंग ऑर्डिनरी यानी साधारण होता है, और यूनिक्यू भी खास होता है, तो स्पेशल का यूनिक्यू कर देंगे। थर्ड वाला देखेंगे, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर, मींस क्या हो जाएगा, पहले वाला दिन, मतलब जो दिन है आज का जो दिन है उससे पहले वाला दिन, एक दिन पहले वाला दिन, तो यस्टरडे ये हो जाएगा। और यस्टरडे और टुमारो मींस आगे, जो आज का दिन है उसके आगे जो आने वाला दिन है, तो वो टुमारो हो जाता है। तो यस्टरडे के लिए हम सी वाला जो दिया है वो टिक कर देंगे। द मार्केट के फोर्थ नंबर का है मेकिंग। मेकिंग मींस क्या होता है, बनाना, बनाना, ठीक है। और गिविंग यानी क्या होता है, गिविंग मींस होता है देना, तो इसका ये तो नहीं होगा। और प्रिपेयरिंग मींस भी होता है बनाना, ठीक है, तो प्रिपेयरिंग इसका हो जाएगा, मेकिंग का प्रिपेयरिंग। फिफ्थ वाला है हग्ड। हग्ड मींस गले लगाना, और एम्ब्रेस्ड मींस भी गले से लगाना होता है, तो इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, इस पर हम टिक कर देंगे। और कोट मींस होता है पकड़ लेना, ठीक है, कोट मींस होता है पकड़ लेना, तो इसका ये करेक्ट नहीं होगा, तो इसका हम क्या कर देंगे, एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड मींस होता है गले लगाना या हग्ड, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जो क्वेश्चन आंसर हमें ऊपर छूट गए हैं उन्हें हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए हैं, आप सभी भी नोट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन देखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज जूही सिटिंग। तो जूही कहाँ बैठी थी, जूही वॉज सिटिंग इन हर स्टडी रूम। तो वो अपने, जूही अपने स्टडी रूम में बैठी थी, ठीक है। स्टडी यानी पढ़ाई करने का रूम, ठीक है, तो वो अपने स्टडी रूम में बैठी थी। सेकंड वाला है व्हाट डिड सी वांट टू गिव हर मदर ऑन हर बर्थडे। तो जो जूही है वो क्या अपनी माँ को क्या देना चाहती थी उनके बर्थडे पर, तो उसका आंसर देखेंगे, सी वांट टू गिव द बेस्ट गिफ्ट टू हर मदर ऑन हर बर्थडे। तो वो अपनी माँ को सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहती थी उनके बर्थडे पर, ठीक है। थर्ड वाला देखेंगे, वॉट हैड देयर टीचर थाट देम यस्टरडे। तो यस्टरडे उसकी जो पिछले वाला दिन रहता है यस्टरडे, तो कल उसकी टीचर ने उसे क्या सिखाया था। तो यस्टरडे देयर आंसर देखेंगे इसका, यस्टरडे देयर टीचर थाट देम हाउ टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स। तो ग्रीटिंग कार्ड्स को कैसे बनाया जाता है ये उनकी टीचर ने उसे सिखाया था, ठीक है, यस्टरडे। फोर्थ नंबर का देखेंगे, वेयर डिड सी गिव द कार्ड। तो उसने जो कार्ड था, जो ग्रीटिंग कार्ड था उसने जो बनाया था वो कहाँ पर दिया। तो सी गिव द कार्ड इन किचन। तो उसने किचन में ग्रीटिंग कार्ड को अपनी माँ को दिया था, तो सी गिव द कार्ड इन किचन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ नंबर का है स्टूडेंट्स, वेयर डिड सी गिव द कार्ड, सॉरी फिफ्थ नंबर का है, व्हाट डिड सी बाय फ्रॉम द मार्केट। तो उसने मार्केट से क्या क्या खरीदा था आप सभी को पता होगा। तो सी व्हाट अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा खरीदा था, कलर्ड पेपर खरीदे थे एंड बीड्स खरीदे थे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें उसने मार्केट से खरीदी थी, बाय की थी, परचेस की थी। सिक्स नंबर का नेक्स्ट देखेंगे, सिक्स नंबर का क्या है, व्हाट डिड सी राइट ऑन द कार्ड। तो उसने जो कार्ड था उस पर क्या लिखा था ये हमें बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्ड पर उसने जो ही ने क्या लिखा था, व्हाट इज रोट इन कार्ड। तो सी रोट, मॉम यू आर द बेस्ट मदर, तो आप सबसे अच्छी माँ हो, आई वांट टू गिव द बेस्ट गिफ्ट
इन द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ, चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, तो मैं मार्केट से कुछ भी ख़रीदना नहीं चाहती थी। बिकॉज नेम ऑफ देम आर एज गुड एज यू, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि आपसे अच्छा हो, ठीक है, आपके आपके जैसा हो। इसका हम ये नोट डाउन कर लेंगे और सभी लोगों को ये लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 7 नंबर का देखेंगे। व्हाट डिड हर मदर डू व्हेन जूही गिव हर द कार्ड, तो उसकी माँ ने क्या किया जब उसने जो कार्ड है वो उसकी माँ को देती है, तो उसकी माँ क्या क्या रिएक्शन लेती हैं, ये हमें रोट करना है यहाँ पर। तो आंसर देखेंगे, सी हग्ड जूही एंड सेड, तो उन्होंने जूही को क्या कर लिया, गले से लगा लिया एंड कहा, सेड इट इज़ द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड, मुझे सब कुछ मिल गया, ठीक है, तो यह सबसे अच्छा गिफ्ट है और मुझे सब कुछ मिल गया। तो ये उसकी माँ ने कहा और उसको गले से लगा लिया। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आपका 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप सब इसको नोट डाउन कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।